गाइस अगर आप भी करते हो सोशल मीडिया पे फोटोज अपलोड तो गाइस आज की स्टूडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एक बेस्ट वेबसाइट के बारे में। अगर दोस्तों आप इस वेबसाइट का यूज़ करते हो तो गाइस आप इजीली किसी भी फोटो में से दोस्तों अनवांटेड ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हो। गाइस आपने फोटो क्लिक की लेकिन दोस्तों ऐसी चीज़ आ गई जो आप दिखाना नहीं चाहते लेकिन फोटो क्लिक हो चुकी है, और अगर आप उस चीज़ को हटाना चाहते हो तो गाइस आप इजीली इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो। इस वेबसाइट की मदद से दोस्तों आप इजीली अनवांटेड ऑब्जेक्ट या दोस्तों किसी चीज़ को हटा सकते हो फोटो में से, और जो आपकी फ़ोटो है वो दोस्तों उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जो चीज़ आप नहीं दिखाना चाहते थे उसे भी हटा सकते हो। ये जो वेबसाइट है इसका जो AI है दोस्तों इतनी बेहतरीन तरीके से काम करता है। अगर आप इस वेबसाइट का यूज़ करोगे ना तो आप भी कहोगे वाओ क्या वेबसाइट है। अब दोस्तों मैं आपको ऐप के बारे में बता सकता था जैसे कि दोस्तों स्नैपशीट हो गया, लेकिन दोस्तों ये जो स्नैपशीट है इतनी अच्छी तरीके से दोस्तों जो ऑब्जेक्ट को रिमूव नहीं करता, लेकिन ये जो वेबसाइट है इतनी बेहतरीन तरीके से दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करता है ना, आप भी कहोगे वाओ क्या वेबसाइट है। चलिए मैं आपको बताता हूँ और आप खुद देख लेना ट्राई करके, ठीक है। गाइस हम आ चुके हैं फ़ोन की स्क्रीन पर, तो गाइस सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और आपको इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का नाम क्या है अभी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। आने के बाद दोस्तों आप यहां पर एग्जांपल देख सकते हो इस वेबसाइट का जो AI ये किस तरह से काम करता है और फोटोज़ में से अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को हटाता है, आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हो, ठीक है। तो हमको फोटो में से दोस्तों इस चीज़ को हटाना है जो अच्छी नहीं लग रही बैकग्राउंड में, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, उस फोटो तो गाइस आप यहां पर देख सकते हो ये जो फोटो है इसमें से दोस्तों मुझे उस चीज़ को हटाना है जो बैकग्राउंड में अच्छी नहीं दिख रही। तो गाइस आप यहां पर देख सकते हो इस चीज़ को दोस्तों मुझे बैकग्राउंड से हटाना है और अच्छी भी नहीं दिख रही, ठीक है, आपको भी लग रहा होगा। तो ये जो चीज़ है दोस्तों मुझे बैकग्राउंड से हटाना है, तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, यहाँ पर गाइस आपको ब्रश मिल जाता है, आपको यहाँ पर ब्रश पर दोस्तों इसकी जो साइज़ है दोस्तों आप यहाँ पर छोटी बड़ी कर सकते हो, तो यहाँ पर हम छोटी रखेंगे क्योंकि हमको छोटी चीज़ को हटाना है। तो फिर आपको करना क्या है, जिस चीज़ को आप हटाना चाहते हैं उस पर आपको ब्रश को इस तरह से फेर देना है, ठीक है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। फिर आपको यहाँ पर क्लीन पे क्लिक कर देना है। क्लीन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 5 सेकंड्स वेट करना है। इस वेबसाइट का जो AI ये इतनी बेहतरीन तरीके से दोस्तों उस चीज़ को हटा देगा, देख सकते हो कितनी बेहतरीन तरीके से इसने उस चीज़ को हटा दिया। आप यहाँ पर ऊपर की ओर आपको यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हो पहले आपकी फ़ोटो कैसी थी और अब कैसी है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो दोस्तों कितनी बेहतरीन तरीके से इसने उस चीज़ को हटा दिया। अब दोस्तों मैं आपको स्नैपशीट के बारे में बता सकता था जो कि गूगल का ऐप है, वो भी दोस्तों अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को हटाता है, लेकिन दोस्तों इतनी बेहतरीन तरीके से नहीं हटाता जो कि वेबसाइट ने इतनी बेहतरीन तरीके से हटाया है, ठीक है। तो गाइस अगर आप फोटो क्लिक करते हो अगर बैकग्राउंड में कुछ ऐसी चीज़ आ जाती हैं जो आपको अच्छी नहीं दिख रही तो आप इजीली इस वेबसाइट की मदद से उस चीज़ को हटा सकते हो। अगर आप इस फोटो को डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड पर क्लिक करना, आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना, सेव टू डिवाइस पर क्लिक कर देना और आपकी जो फोटो है दोस्तों वो गैलरी में सेव हो जाएगी। देख सकते हो दोस्तों इसने कितनी बेहतरीन तरीके से उस चीज़ को हटा दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जो वेबसाइट है वो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और वेबसाइट का नाम मैं आपको बता देता हूँ, वेबसाइट का नाम है दोस्तों cleanup.pictures। तो सिंपली आप इस वेबसाइट पे आना।